आप देख सकते हैं प्रकाश किरण हवा से जब कांच में एंट्री मारता है तो हल्का आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये अपवर्तन है। यहाँ पर जब कांच से प्रकाश किरण, आप देख सकते हैं जब कांच से प्रकाश किरण हवा में जा रहा है तब भी मुड़ा है, ये भी अपवर्तन ही है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसी पॉइंट पे, जहाँ पर ये कुछ प्रकाश किरण बाहर चल जा रहे हैं लेकिन कुछ प्रकाश किरण आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से जाता हुआ दिखाई रहा है, यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है मेरे भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कब होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहा है। कांच क्या है? सघन है। किसके सापेक्ष में? एयर के सापेक्ष में। तो प्रकाश किरण यहाँ से निकलना तो चाह रहा होगा। क्या हो रहा होगा मेरे भाई? ऐसा खत्म हो गया। तो यहाँ से मेरे भाई प्रकाश किरण तो निकलना चाह रहा होगा, कहाँ से? कांच से निकलना चाह रहा होगा, एयर में। लेकिन इसका जो क्रिटिकल एंगल है उससे अधिक कोण पे हम लोग प्रकाश को भेज रहे हैं, इसीलिए इसका क्या हो जा रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम लोग प्रकाश किरण भेज रहे हैं तो प्रकाश यहाँ तक सीधे आ रहा है, लेकिन जैसे पानी में एंट्री मारता है, इधर एयर है इधर पानी है, यहाँ अलग अलग मीडियम हो गया, जैसे पानी में एंट्री मार रहा है प्रकाश हल्का सा मुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? मुड़ जा रहा है, और यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जैसे जैसे इसको हम लोग सीधा करते जाते हैं, सीधा करते जाते हैं, सीधा करते जाते हैं, अभिलंब के अनुदिश जब भेजने की कोशिश करते हैं, किसको? इस प्रकाश किरण को जब अभिलंब के अनुदिश हम लोग भेजते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो बिना किसी विक्षेपण के, अर्थात बिना किसी विचलन के सीधे चल जा रहा है। ये भी अपवर्तन की घटना है। इस केस में जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है वो दोनों क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको केस को आप याद रखिएगा। ज़्यादातर केस में बच्चे यहाँ गलती मार देते हैं, उनको लगता है ये अपवर्तन है ही नहीं क्योंकि प्रकाश किरण मुड़ा ही नहीं। भाई साहब, प्रकाश किरण मुड़े या ना मुड़े, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या होता है? अपवर्तन होता है।